सबसे अच्छा मेरा जो अनुभव लगा, यहाँ पे किसी को नमन नहीं करना है। आप देखे होंगे जब भी किसी स्टेज पे बोलने का मौका मिलता है सबसे पहले यहाँ बैठे सारे लोगों को नमन करना पड़ता है। लेकिन मुझे नमन करना है तो सिर्फ वी बैंकर के फौलादों को, क्योंकि चारों तरफ से देश के हर कोने कोने से आए हुए हैं, उन सभी को मेरा नमन है। जब पूर्णिया में एक छोटी सी मीटिंग की थी तो हमारे एक यूनियन के नेता बोले ये सारे बैंकर के एक धारा जो है बिन पतवार के नौ पे सवार हो चले हैं। क्या हम लोग बिन पतवार के नौ पे सवार हैं? क्या आप लोग अपनी अपनी पतवार खुद संभाल लेंगे? बिल्कुल संभाल लेंगे, बिल्कुल। दूसरी बात, कुछ लोगों ने कटाक्ष किया क्योंकि ये सारे नेता बनने चले हैं। दोस्तों, क्या हम लोग नेता बनने चले हैं? हम लोग नेता की का जो भूत सवार है दूसरों के उसको उतारने चले हैं, अपनी हस्ती आवाज बुलंद करने आए हैं, सभी के अंदर का डर को खत्म करने आए हैं। और ऐसे भी एक कहावत है कि नेतृत्व करने का मतलब सही उद्देश्य लोगों को रास्ता दिखाना होता है, हुकूमत करना नहीं। हुकूमत नहीं समझे बगल वाले। बहुत सारे कुछ बोल चुके हैं, लेकिन जो मैं डेली समस्या फेस करता हूँ उसमें कुछ आम समस्या मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी समस्या मेरी है छुट्टी के दिनों में काम करना, जहाँ पे हमारे सारे साथी टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज आ रहा होता है बैंक इतने दिन के लिए बंद हो गया और हम उस समय बैंक में काम कर रहे होते हैं, ये हमारे लिए बहुत दुखद की बात है। दूसरी शाखा में देर तक लगभग दिन कार्य करते रहना। तीसरा, मैनेजमेंट के द्वारा ऐसा टारगेट देना जो कि कभी पूरा ही ना हो सके। आप सभी बनाते रहते हैं। एक और चीज कर दो। थैंक यू।